एशिया की सेकंड लार्जेस्ट हनी मार्केट में। ये जंगली शहद है, ठीक है, जंगली, ये छोटी मक्खी का बेरी का शहद है। अब इसका जो नीचे शहद पड़ा हुआ देखें, ये देखें बिल्कुल पानी की तरह। अच्छा, बाद ये बड़ी मक्खी का है, बड़ी मक्खी का बेरी का शहद है, ठीक है, और प्राइस है इसकी 600 पर केजी है। ये बेरी का है, बिल्कुल मतलब प्योर बेरी है, और ये है फुल जंगली, बिल्कुल जंगली। ये जो सिस्टम है सब जंगली है, ये सब जंगली है, लेकिन इसमें प्योर बेरी नहीं है, इसमें 60-70% बेरी है, बाकी इसके साथ और फ्रूट में। ये मिसर का है, मिसर का शहद है, ठीक है, जबरदस्त ओरिजिनल जाफरान। जी जी ओरिजिनल 100% वजीरिस्तान का है, इस सीजन का आता है टर्किश जी। ये तुर्की का है, बस है पहाड़ी इलाकों का है बेरी का। ये भी बहुत अच्छा जायका है इसका। अच्छा, जबरदस्त। तो ये अजवाइन का शायद है, ये सवाद का बहुत मशहूर है, काफी हेल्दी होता है, गाढ़ा जो गाढ़ा इसको कहते हैं, हनीकॉम्ब। ये इंपोर्टेड है ईरान से। पास अजवा है, ठीक है, अजवा खजूर है, ये अजवा खजूर का पेस्ट है, ममन एजेंसी। फूल का शायद है, एप्पल के फूल का शायद है, ये उर्दू में ये पुराना है। ये जो है तो ये 1000 रुपए किलो है। शुगर फ्री के बारे में जरा समझाएं। अच्छा, तो हम हाँ, हाँ, अजवाइन का ही है, लेकिन फार्म का अजवाइन है, ठीक है, तुर्की से आता है, ठीक ये है, माजून है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ऑलिव ऑयल में ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का ऑलिव ऑयल है, इसी की हमारे पास प्योर गाय का है। एक्सचेंज करना है, रिटर्न करना है, जो आपका पैसे लेने हैं बिल्कुल देंगे, पैसे देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? ठीक ठाक, खैर खैरियत। तो आज हम आए हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं, एशिया की मतलब एशिया की सेकंड लार्जेस्ट हनी मार्केट में आए हैं। ये है अल्फला हनी, इनकी शॉप का मतलब ये होलसेलर है, काफ़ी बड़े। इनकी मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूँ, पिछले साल भी हमने बनाई थी, तो भाई से आपको मुलाकात करवाता हूँ। आज मैं आपको दुनिया की हर किस्म का शहद दिखाऊँगा। ये देखिए मेरे हाथ में, आप ज़ाफ़रान देख सकते हैं, इसका जब मैं रेट बताऊंगा फिर आपको पता चलेगा। हर किस्म के आपको यहाँ पे ओरिजिनल जो देसी चीज़ होगी वो आपको मिलने वाली है, हर चीज़ मिलेगी। तो भाई से आपको मिलवाता हूँ, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको समझ जाए। भाई जान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैर खैरियत है। अच्छा भाई, तो आज आप हमें 1 साल बाद क्या प्रोडक्ट नया दिखाने वाले? हाँ जी बिल्कुल, 1 साल बाद तो ये बहुत सारी चीजें चलो आपको बताते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हनी के हवाले से भी, और मेरा भाई अगर दिखा सकते हैं तो ये देखें, हर किस्म का आपको ब्रांड न्यू इस तरह चीजें मिलेंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। ये देखें, ये भी मिलेगा, और ये नहीं है, ये आपको बाहर कई मुल्कों वाले शहर यहाँ मिलने वाले हैं, ठीक है। जी जुहेब भाई, तो सबसे पहले क्या दिखाने वाले हैं? सबसे पहले तो सर जी, हम आपको ये बताएंगे, फ्लाई का शहद है, इसको पलोसा कहा जाता है हमारे मुकामी जबान में, ठीक है, और इंग्लिश में इसको केशिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आता है, ठीक है, और ये जो है तो प्राइस है इसकी 600 पर केजी है। 600 पर केजी। और इसमें ये भी है कि इसमें पुरानी हो नहीं जी, हो जी, हाँ, वो भी होती है। असल में ये जो है तो मुख्तलिफ फार्म्स का मुख्तलिफ बैच होते हैं। अच्छा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा वाइटनेस आ रही है इसमें, थोड़ा सा ये पुराना है, ये ब्लैक है, ठीक है। तो ये जो है तो ये इस तरह होता है कि हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, ठीक है। चॉइस इस तरह होती है कि बाद लोग पुराना पसंद करते हैं, बाद लोग नया पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमने सब वेरिएंट्स रखे जी। इसमें ये भी होता है कि एक फार्मी होता है और एक ओरिजिनल, ये तो फार्म का ही है। अच्छा, मतलब ये आपके पास वो जंगल वाले भी है? जंगली वाले भी हैं, वो आगे आपको बताएंगे, ठीक है, आगे वो भी दिखाएंगे, ठीक हो गया। 600 पर केजी है इसमें। फिर जिनकी जो चॉइस होती है, मतलब पुराना हो या नया हो, ठीक फिर है, हमें बता सकते हैं, ठीक है, उनको जो है तो। और आप डिलीवरी भी मतलब जी आलोर पाकिस्तान करते हैं? जी बिल्कुल, कैश ऑन डिलीवरी भी करते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद अच्छा, इसके बाद जो है, जैसे मैंने आपको फ्लाई के बारे में बताया, ये पंजाब का है, ठीक है। इसमें ये जो है तो मोहम्मद एजेंसी का है। अच्छा, मोहम्मद एजेंसी, मोहम्मद एजेंसी का। ये एक फूल का शायद आता है, ठीक है, और ये भी फ्लाई ही है, लेकिन इसका जायका और जो पंजाब वाले जायके में फर्क होता है। अच्छा, इसी वजह से इसके रेट्स में भी फर्क है। अच्छा, तो ये जो है ये भी का जो रेट है 800 रुपए किलो है, 800 पर केजी मिलेगा आपको, ठीक है। इस पे ये मुख्तलिफ है, जबरदस्त। तो स्टॉक की तो कोई टेंशन ही ना, नहीं, कोई बंदा मतलब आपसे 1000 किलो भी मांगे तो आप भिजवा सकते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मतलब ये टेंशन नहीं, किलो चाहिए वो भी मिलेगा, अगर आपको टनों के हिसाब से चाहिए वो भी मिलेगा, मिलेगा इंशाल्लाह। इसके अलावा विफाद भाई, हम पाकिस्तान जितनी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, जो कि काम कर रही हैं, ठीक है, उनको भी हम सप्लाई करते हैं। अच्छा, कंपनियों को भी सप्लाई करते हैं? कंपनियों को भी सप्लाई, जबरदस्त हो गया यार। वो तो फिर बल्क क्वांटिटी में होते हैं, उनके जो 5000-10000 कैंस होते हैं वो फिर हम प्रोवाइड करते हैं, जबरदस्त। सीजनली जो है
जी जब सीजन होता है फिलाई का उस वक्त ये लोग जबरदस्त। ठीक है, इसके अलावा ये लाची है, लाची हम अपनी मकामी जबान में इसको कहते हैं। ठीक है, वैसे जो है तो उर्दू में इसको सफेदा जो आम जो ट्री होता है। हाँ हाँ, सफेदा, ये सफेदे का है। जी जी बिल्कुल, ये सफेदे का है। ये भी 800 पर केजी है। जबरदस्त हो गया। इसके अलावा ये शफ्तल है। ठीक है, शफ्तल उर्दू में कहा जाता है, हमने उर्दू में लिखा। ठीक है, और ये पश्तो में इसको शोतल कहा जाता है। ठीक है, और पंजाबी में इसको शताला कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये भी 800 पर केजी। 800 पर केजी, ठीक हो गया। अच्छा, अभी जो नया शायद ऐड हुआ है वो ये एप्पल का है। ठीक है, एप्पल का। जी, एप्पल का शायद है। ये कहाँ से आता है? गिलगित से आता है। अच्छा, गिलगित से आता है। मतलब गिलगित में काफी ज्यादा एप्पल। बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है, ये गिलगित से आता है। ये 1800 रुपए किलो है। 1800 अच्छा, ये जैम तो नहीं होता? मतलब नहीं नहीं नहीं, जैम नहीं है सर जी, वो होता है ना। देखें, जो अक्सर लोग पूछते हैं ना कि जो माल्टे का शायद है मिसाल के तौर पे, ऑरेंज का, तो उसमें ऑरेंज का जायका आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। देखें, फल का अलग जायका होता है, फल से पहले जो फूल निकलता है उसका अलग जायका होता है। ठीक है, तो ये फूल का शायद है, एप्पल के फूल का। इसका टेस्ट मतलब ऐसे नहीं कि आप एप्पल खा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट आता है एप्पल का, लेकिन मतलब फूल का अपना टेस्ट होता है। जी हाँ, फूल का। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है तो ये स्पेर की है। ठीक है, स्पेर की हम पश्तो में कहते हैं, अजवाइन का शायद है ये उर्दू में। ये थोड़ा पुराना है। अच्छा जी हाँ, ये थोड़ा पुराना है। ठीक है, और ये 1200 पर केजी है। 1200 पर केजी। इसमें फिर हमारे पास नए भी आए हुए हैं। अच्छा, फिर आगे चल के बताते हैं आप। ठीक है। अच्छा, ये जो है तो माल्टे का शायद है। ठीक है, ऑरेंज, ऑरेंज ब्लॉसम इसको कहा जाता है जी, माल्टे का शायद है। ये 800 पर केजी है। ठीक है, ये भी 800 है। जबरदस्त, ये भी नया शायद है। अच्छा, नया शायद। हाँ जी, ये बरसीम, इसको बरसीम कहते हैं, बरसीम का शायद है। ये टर्की, वाया टर्की आता है, ये अपना है उधर का है। हमें ये भी साथ बताया करें कि ये हमारे किस सिटी का है या कौन से बैरून मुल्क से आता है, हमें ये सारी वो भी साथ साथ। ये मिस्र का है। ठीक है, मिस्र का शायद है। ठीक है, ये दो शायद आते हैं, एक कलवंजी का शायद आता है और एक बरसीम का आता है, और ये दोनों फूल के शायद होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ चीज एडिशन की गई हो। अच्छा, ऐसा नहीं है, मतलब फूल का शायद है। ठीक हो गया। ये गरंडा है। और इसकी प्राइस आपने? इसकी प्राइस सर जी, इम्पोर्टेड है तो ये थोड़ा सा महंगा है। ये 1800 पर केजी है। अच्छा, 1800 पर केजी है। ठीक है, और सिर्फ ये मिसर का है। ठीक है, बाकी मेजोरिटी जितने भी शायद हैं वो सब हमारे पाकिस्तान के। पाकिस्तान में, माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान में मतलब हर किस्म का शायद मिलता है। जी बिल्कुल, जबरदस्त। ठीक है, इसके अलावा ये गरंडा है। ठीक है, गरंडा हम पश्तो में इसको कहते हैं। ये भी रेड कलर का एक बड़ा फूल होता है। ठीक है, और ये उसका शायद, ये भी अप्रैल के सीजन में पंजाब साइड से जो है तो ये आता है। अच्छा जी हाँ, पंजाब। अच्छा, ठीक है, जबरदस्त। ये भी ये जो है तो 800 है पर। जबरदस्त, ठीक है। और इसके अलावा ये मरवीजा है। मरवीजा भी एक फूल है, पश्तो में इसका वर्ड है। मरवीजा, जी हाँ, ये वर्डिंग जो है तो ये जो हमारे फार्मर हजरात होते हैं उनकी तरफ से ही जो है तो ये हमें नाम दिया गया था, लेकिन हम खुद भी पहचान रखते हैं इस की कौन से फूल का शायद है। माशाल्लाह, तो वो इसको हमने इतना ज्यादा वो नहीं किया कि उर्दू में इसको क्या कहा जाता है। जो है, मकबूल शायद है, जैसे कि बेरी हो गया, फिलाई हो गया। अच्छा, आप ये रेट बताते साथ साथ थोड़ा मैं आपसे डिस्कस करता चलूं, क्योंकि हर बंदा कमेंट करता है, पूछता भी है, तो मैं पहले से उनके नजरिए से देखूं। आप जो रेट दे रहे हैं, ये मार्केट और आपके रेट में क्या डिफरेंस है? जो मतलब आप लाहौर में या मिसाल तौर पर इस्लामाबाद में या मुल्तान में कहीं पे कराची में वो रेट चलते हैं, उनके और आपके रेट में कितना फर्क है? सर जी, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि हम जो रेट दे रहे हैं ये क्वालिटी के मुताबिक रेट है। ठीक है, मतलब अगर फलाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो फलाई है हमारे पास। ठीक है, एक तो जो नॉर्मली है जो हर इलाके में पड़ा होता है, वो भी मतलब कमजोर क्वालिटी होती है, लेकिन वो उनके रेट 800-1000 रुपए होंगे। ठीक है, जो हमारे शायद खाने वाले हजरात हैं उनको चीज़ पे ज्यादा इल्म होगा। ठीक है, तो हम आपको जो चीज देंगे वो एक फूल की होगी, मतलब इसके साथ कोई दूसरा फूल वगैरह मिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर रेट्स भी होते हैं। अच्छा, हाँ जी, जैसे कि आपको मैंने फिलाई बताया, इसका दूसरा फूल मिक्स है वो 600 का है, और जो दूसरा है एक फूल वाला वो 800 का है। अच्छा, तो इसमें हमने ये कैटेगराइज किया होता है, तो कैटेगरी के मुताबिक रेट्स होते हैं। जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में बता रहे थे। अच्छा, अभी आते हैं, ये मरवीजा आपको बताया, मरवीजा भी एक फूल है, इसका बहुत अच्छा जायका होता है। ठीक है, हाँ जी, ये 1000 रुपए किलो है। ठीक है, और ये संजला है। संजला हमारा पश्तो का वर्ड है, लेकिन ये इसको उर्दू में संजीत कहते हैं। संजीत एक ड्राई फ्रूट होता है जो कि मतलब अफगानिस्तान के इलाकों में भी पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा अपना चित्राल में भी,
ये है बेसिकली शायद चित्राल का। अच्छा चित्राल का। सिंजला जो है तो वहाँ का एक ड्राई फ्रूट है। ठीक है। उसका इसको फूल का शहद है ये। जबरदस्त। ये मतलब इस तरह के जो शहद हैं ये इसकी प्रोडक्शन बहुत कम होती है। अच्छा प्रोडक्शन कम होती है इसी वजह से ये ज्यादा मकबूल नहीं है। ठीक है। मतलब बहुत कम होते हैं। जबरदस्त हो गया। ठीक है। अच्छा इसके अलावा ये मिक्स फूल है। मिक्स फूल इसमें कितने फूल मिक्स फूल सर जी हमने इसको मिक्स फूल इसलिए कहा गया है फाद भाई के ये इसमें आप चखें तो इसमें एक जायका नहीं आता। एक जायका भी नहीं आता। एक जायका नहीं आता मतलब आप जैसे कि आप फलाई खा रहे हैं तो फलाई का फूल का जायका ही आएगा। ठीक है। और अगर आप बेरी खा रहे हैं तो बेरी के फूल का ही जायका आएगा। लेकिन इसमें ये चीज है कि इसमें इलायची का फ्लेवर भी है और गरंडा भी है मतलब मुख्तलिफ है। ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको मिक्स कैटेगरी में डाल जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर चीज हम कैटेगराइज मिक्स फूल का क्या रेट ये भी 800 है। 800 है। ठीक है। ये कुंजला है। कुंजला कुंजला ये तिल तिल जो होते हैं उर्दू में तिल कहते हैं। हमने लिखा हुआ है तिल का शहद। अच्छा तिल का शहद लिखा हुआ है। ठीक है। ये तिल का शहद है। ठीक है। ये अच्छा ये ब्लैक है ये असल में पुराना हो चुका है। अच्छा पुराना हो चुका है। जो भी शहद जो ब्लैक हो ना वो उस पर टाइम गुजरा होता है तो वो ब्लैक हो जाता है ब्लैकिश हो जाता है। अच्छा तो लेकिन खराब कभी भी नहीं होता। अच्छा अच्छा शहद अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी खराब नहीं होता। ठीक है। ये जो है तो ये 1000 रुपए किलो है तिल का शहद। ठीक है। और इसके अलावा ये ममरेजा है। ममरेजा जैसे कि वो मरवीजा है ये दूसरा फूल है ममरेजा। ठीक है। ये भी पुराना ममरेजा का शहद है। हाँ जी ये भी ये 1000 रुपए किलो है। ये भी 1000 रुपए किलो। अच्छा अजवाइन आ गया। ये अजवाइन आया है जो मैंने आपको पहले अजवाइन बताया था जी वो और ये दोनों सेम ही है लेकिन वो पुराना है। ठीक है। और ये नया है। ठीक है। लेकिन नए में भी जो है ये स्वाद का है। अच्छा स्वाद का है। इसमें फिर हमारे पास एक बिल्कुल दूसरा आता है। ठीक है। इसे भी जो है तो सफेद आता है फ्रेश आता है वो अजवाइन का वो बिल्कुल वाइट होता है वो वजीरिस्तान का। अच्छा वो और इनकी क्या प्राइस आपने बताया। ये 1200 है जी। 1200 पर केजी है। ठीक है। जबरदस्त। अच्छा जी शुगर फ्री। शुगर फ्री शुगर फ्री के बारे में जरा समझाएं डिटेल से और है भी पुराना शहद। जी हाँ जी ठीक सर जी शुगर फ्री हमने इसको इसलिए कहा गया है कि जो नया शहद होता है उसमें फ्रुक्टोज और सुक्रोज लेवल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। मतलब मिठास जिसको कहा जाता है आम जबान में वो ज्यादा होती है तो शुगर का पेशेंट नहीं खा सकता। ठीक है। जब शहद तकरीबन ये अब शहद है ये 4-5 साल पुराना शहद है। अच्छा जी हाँ जब ये पुराना जब हो जाता है तो इसकी शुगर वैल्यू टाइम के साथ साथ डिकम्पोज हो जाती है। ठीक है। लेकिन इतना नहीं होती कि आप शुगर का पेशेंट बिल्कुल बेधड़क होकर खा सकते हैं। अच्छा लेकिन एक स्पून रोजाना शिफा के लिए एक स्पून खा सकते और ये शुगर फ्री शहद कौन से फूल ये बेरी का है सर जी। अच्छा बेरी का बेरी का है लेकिन इसमें प्योर बेरी नहीं है इसमें 60-70% बेरी है बाकी इसके साथ और फ्रूट भी मिक्स है। भाई ये बात आपने बड़ी मतलब अच्छी की है। मतलब आप जो चीज है आप प्योर बताते हैं कि ये है या ये नहीं है मतलब वैसे बंदे से बात नहीं करनी हकीकत बोलना है तो ये भाई की बात सही है कि मतलब ये प्योर बेरी नहीं है। प्योर बेरी भी आपके पास मिलेगी। प्योर बेरी सर जी बहुत कम आता है मतलब रहता नहीं है इतना टाइम तक क्योंकि मेजोरिटी एक्सपोर्ट हो जाता है। अच्छा तो बाहर डिमांड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। मतलब प्योर बेरी नहीं आता। प्योर बेरी पुराने शहद में नहीं आता नए शहद में है। अच्छा मिल जाएगा नए शहद वो भी आप दिखाएंगे हमें इसी सीजन का नया शहद है वो आपको मिलेगा वो भी आप हमें आपने वो भी दिखाना है। हाँ वो भी दिखाऊंगा। ठीक है। अच्छा इसकी प्राइस ये 1200 पर केजी है। ठीक है। और ये शवा शवा है जो ये शवा जो है उसको पंजाबी लफ्ज में कहते हैं मुझे पता है टाली जी हाँ हाँ ठीक टाली कहते हैं और शीशम भी कहा जाता है। शीशम भी कहा जाता है। अच्छा तो हमें उर्दू में शीशम कहा जाता है। ठीक है। तो ये भी आपको 1000 रुपए किलो मिलेगा। ये भी 1000 रुपए किलो मिलेगा। ठीक हो गया। इसके बाद जो है तो ये हनी कॉम्ब है। ठीक है। हनी कॉम्ब ये मिक्स फ्लावर्स का है। ठीक है। हाँ जी मिक्स फ्लावर्स को कहते हैं हनी कॉम्ब ये इम्पोर्टेड है ईरान से आता है ये। अच्छा ईरान से आता है। जी ईरान से आता है ये 1300 पर केजी है। कितना 1300 जी हाँ लेकिन इसमें ये है कि इसका हर बॉक्स का अलग अलग वेट है मतलब अच्छा। इसका एक वेट है इसका एक वेट है। ठीक है। तो अलग अलग वेट है तो वेट के हिसाब से जो है तो मतलब अक्सर लोग कहते हैं यार एक बॉक्स भेज दें तो एक बॉक्स एक केजी का नहीं होता। अच्छा हाँ जी हर बॉक्स के अलग अलग वेट होते हैं। अच्छा जितने केजी होगा आपको मतलब दिखाएंगे उनको सेंड करेंगे कि इतने केजी का आ गया इतने केजी का। ठीक है ठीक है। हिसाब से फिर होता है। जी जी। इसके अलावा जो है तो हमारे पास इसके अलावा हमारे पास ये आता है टर्किश जी ये तुर्की का है। अच्छा तुर्की का है। जी हाँ जी ये हमारी एक ब्रांच शारजा में अल मसार के नाम से। अच्छा मतलब दुबई में। जी जी दुबई में भी। ठीक है। मतलब आपकी वहाँ पे भी अगर कोई बंदा कोई भाई या कोई हमारा
जो भी व्यूवर है वो दुबई में देख रहा है, अगर उनको शहद की जरूरत है वो यहाँ से मंगवा सकता है, अगर उनको तकलीफ है तो वहाँ पे भी जा सकता है। हाँ, सऊदी में भी है हमारी ब्रांच, वो एड्रेस फिर आप व्हाट्सएप पे उनको बता देंगे जो कुछ। हाँ, वो हम आपको बता सकते हैं, कोई मसला नहीं। जबरदस्त हो गया। इनकी क्या प्राइस है? ये सर जी थोड़ा सा महंगा है, ये आपको 400 ग्राम 1600 का मिलेगा, 1600 रुपए का। वहाँ पे ये रेट है या वहाँ? नहीं नहीं, वहाँ पे नहीं है, यहाँ पे, यहाँ की बात करो वहाँ पे तो मे भी थोड़ा सस्ता हो। अच्छा जी हाँ, अच्छा, ये वाला शायद ठीक है, ठीक है। बाकी ये जो शायद ये तो हम यहाँ से भेजते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो पाकिस्तान ठीक है, ठीक है, ये तुर्की का। जबरदस्त हो गया, ठीक है। जूस के बाद कौन सी वाला? और इसके बाद जो है ये वाला शहद है, ये अपना इसको अजवाइन का शहद कहा जाता है, ठीक है। अजवाइन ये जंगली अजवाइन है जो सवात से आती है, और इसको जो है तो घरों में एक इनका अपना एक छोटा सा घर बनाया होता है मक्खियों का, उसमें इसकी प्रोडक्शन की जाती है। अच्छा जी हाँ, शहद किया जाता है। जबरदस्त, तो ये अजवाइन का शहद है, ये सवात का बहुत मशहूर है। इनकी क्या प्राइस? ये आपको 4200 पर केजी मिलेगा, 4200 रुपए किलो। और अच्छा, ये जो है ये थोड़ा सा मतलब ये वैक्स है इसके साथ, मतलब ये सख्त भी होता है ना, मतलब उस बाकी उससे दूसरे से थोड़ा सा मतलब उसमें ज्यादा वो पड़ता है। ये देख से, ये देखें, ये जो है तो मोम है इसकी, ये अच्छा, वैक्स है। नहीं नहीं, ये देख काफी हेल्दी होता है, गाढ़ा जो गाढ़ापन इसका है ना वो दूसरे शहद से ज्यादा होता है। हाँ जी, लेकिन ये इस तरह है सर जी के गाढ़ापन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, अगर आपने इसको धूप वगैरह में या जो है 25 से बिलो रखा हुआ है, 25 डिग्री से, तो ये थोड़ा पतला हो जाएगा। अच्छा, और अगर आप ये शहद जो पतले वाला शहद आप इसको फ्रिज में रख दें, मतलब आप ऐसे 3-4 डिग्री पे रख दें, तो ये बहुत अच्छा, गाढ़ा हो जाएगा। अच्छा हाँ, बहुत गाढ़ा हो जाता है। तो बाज़ लोग ये शिकायत करते हैं कि आपका शायद किसी का भी आप ले लें पतला शायद है, तो ये ठीक नहीं है। ऐसी बात नहीं है जी। आपको मैं ये जंगली शायद बताऊं तो ये जो है तो बिल्कुल पानी की तरह होता है। अच्छा, जो टहनी से उतरा गया होता है, लेकिन ये रॉ फार्म जो है तो ये पतला ही होता है। अच्छा, इसको फिर प्रोसेस करके इसको गाढ़ा करते हैं, इसमें जो पानी की मिकदार होती है वो निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये शहद है, ये देखें, ये जंगली शहद है, ठीक है, जंगली, ये छोटी मक्की का बेरी का शहद है। अब इसका जो नीचे शहद पड़ा हुआ देखें, ये देखें बिल्कुल पानी की तरह। अच्छा, नहीं नहीं, मतलब एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ कि एरिया का गाढ़ा भी होता है। एरिया का भी बात है सर जी, लेकिन ये है कि ये नेचुरल हालत में, अपनी हालत में ये अनप्रोसेस्ड है। हाँ जी, कोल्ड एक्सट्रैक्टेड है इसको जो है, तो वो ये अपनी हालत में आता है, मतलब जो गाढ़ा शायद आप नॉर्मल टेम्परेचर में देखें तो वो उसको प्रोसेस किया गया था। ठीक है, अच्छा वो तो आपने बता दिया। उसके बाद ये वाला दिखाएं, ये वाला सर जी ये भी अजवाइन का ही है, लेकिन फार्म का अजवाइन है। ठीक है, ये भी फार्म का अजवाइन है, ये 3000 रुपए किलो है। 3000 वैक्स के साथ आता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसके बाद ये जंगली पे आते हैं, ये जंगली, ये निजामपुर के इलाके का बेरी का शायद है। ठीक है, ये आपको 6500 रुपए किलो मिलेगा। फिर इसमें भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जी, हमारे पास 8000 पर केजी भी, वो भी आप दिखाएंगे जी? वो भी मैं आपको बता, ठीक है, वो भी दिखाएंगे। पहले हम ये यहाँ के देख लेना, फिर आगे चलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये वाला आ गया। अच्छा, इसी का शहद जो है, तो ये साफ शहद भी है इसका। अच्छा, ये छोटी मक्की का, छोटी मक्की का इसी का शहद इसी से निकाला गया है। ये आपको 9000 का पर केजी मिलेगा। अच्छा, 9000 इससे निकला गया है। अगर आपको ये चाहिए तो ये 6500 का आपको, ये आज के रेट्स हैं इसके। असल में हम फाद भी यहाँ होलसेल मार्केट में, तो इनके रेट्स अप एंड डाउन होते रहते हैं। वो ये आप भी मेरे डॉलर से चलते हैं? नहीं, डॉलर की बात नहीं है ये। हाँ, तो यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट वाले बात होती है। नहीं नहीं, अच्छी बात है। हाँ, तो अक्सर आपके जो चैनल के थ्रू जो लोग कॉन्टेक्ट करते हैं तो वो अक्सर कहते हैं यार आपने वीडियो में एक रेट बताया था, तो अभी ये रेट है, तो जो मार्केट का रेट होगा उसी के मुताबिक हम आपको बताएं। लेकिन वो मार्केट की वैल्यू के हिसाब से, मतलब जो आम उनके शहर के हिसाब से, फिर भी कुछ मुनासिब होगा? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल। और सबसे बढ़ के क्वालिटी आपको बेहतरीन मिलेगी। और आपके वीडियो के थ्रू मैं एक और बात भी कहूंगा कि ये मनी बैक गारंटी के साथ है। जबरदस्त, माशाल्लाह, अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि शहद के बारे में हर बंदे के अपने अपने कॉन्सेप्ट होते हैं जी। हर बंदा जो बड़ों से सुनते आ रहे हैं कि ये शहद अगर इसको इस तरह यूज करो या चेक करने के अलग अलग तरीके हैं, तो ये सब गलत है। अच्छा, सबसे मेन चीज जायका होता है कि आप टेस्ट करें और उसकी पहचान रखें कि ये कौन से फूल का शहद है और शहद है या नहीं है, मतलब ये फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि जो बनाया गया शहद होता है और जो मतलब नेचुरल शहद होता है उसमें क्या फर्क होता है। जबरदस्त, टेस्ट से पता चलता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद,
उसके बाद ये बड़ी मक्खी का है, बड़ी मक्खी का बेरी का शायद है, ठीक है। और ये आपको मिलेगा 3,000 रुपये किलो। लेकिन इसमें भी वेरिएंट्स आते हैं जो कि पंजाब साइड से 1,500-2,000 रुपये का भी मिल जाता है, लेकिन उसमें ये है कि किकर का जायका थोड़ा मिक्स होता है, ठीक है, तो किकर का जायका सस्ता है, मतलब 1,500 तक मिल जाता है। लेकिन ये हम सिर्फ और सिर्फ हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक फुलका शायद प्रोवाइड करें सबको, ठीक है, तो ठीक ये है, तीन ठीक है, हज़ार रुपये किलो ठीक आपको है। अच्छा, मिलेगा। इसके बाद हम सारा शहद देखते हैं, फिर आपको ज़ाफ़रान वगैरह बाकी जो देख सकते हैं। इनके पास देसी बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, ये इसको क्या कहते हैं, जैतून जो है काफ़ी, ये भी फिर आपको दिखाते हैं, पहले वो हमें वो जंगली वाला दिखाएं। जी जैब भाई, अच्छा फात भाई, मैंने जो आपको वहाँ पे दूसरी शायद बताया छोटी जी जी मक्की का, इसमें दूसरी किस्म है, ये बेरी का है, बिल्कुल मतलब प्योर बेरी है। और ये है फुल हाँ जंगली। बिल्कुल जंगली है और ये बिल्कुल सील्ड है, देखें आपको नज़र आ रहा अच्छा, है। सील्ड इस है पे सिर्फ आपने जो है तो इसको काटना है छुरी छुरी के से, साथ, हाँ जी, और बिल्कुल सिर्फ शहद निकलेगा, ठीक है, जैसे कि या ये दूसरे वेरियंट्स है ठीक है। मतलब। इसकी दूसरी इस तरह घुमाएं थोड़ा सा, ये देखिए, अच्छा ये काटा गया है, जी जी मतलब जी वो काटा जहाँ गया, से हाँ हाँ जी जी निकाला बिल्कुल है, बिकुल। ठीक हो गया, तो ये ओरिजिनल बिल्कुल मतलब अपनी फुल ऑफ हालत हनी में। है जी, हाँ जी, अपनी अच्छा हालत में जी, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल। इसके इसके ये जो है तो इसे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ठीक क्योंकि है, ये बहुत मुश्किल से मिलता है, अच्छा और ये प्योर उसे दर है, मतलब प्योर बेरी है अच्छा ये। 800 का, सॉरी 8,000 का पर केजी है, अच्छा 8,000 का पर पर केजी, केजी है। हाँ जी, अच्छा अच्छा बस अच्छा ठीक हो गया। अच्छा ये तो हो गया, इसमें इसमें आपके पास और भी वैरायटीज ये है, इसमें सर जी, इसमें मुख्तलिफ वेट के मुख्तलिफ मतलब छलियाँ हैं ठीक जी, है, हाँ, जो मतलब जिनकी जो रिक्वायर्ड हो, मतलब जितने केजी का, ठीक तो है। उस मतलब हिसाब से ये जो सिस्टम है सब जंगली है। ये सब जंगली है, छोटी मक्खी का इसको कहा जाता है। अच्छा अच्छा बाद अच्छा लोग पूछते हैं हमसे कि यार छोटी मक्खी का बेरी का शायद, तो ठीक छोटी है, मक्खी का बेरी इसको कहा जाता है अच्छा सबका सेम रेट है, जी, सबका सेम रेट है जी, ठीक है, उससे ठीक है, अलग है मतलब अच्छा उससे जी, अलग है, हाँ। ठीक फिर है, इसके बाद आते हैं, ये हमारे पास है पहाड़ी इलाकों का है बेरी का, ये भी बहुत अच्छा जायका है इसका अच्छा ये भी पहाड़ी जी इलाके का जी है, पहाड़ी इलाकों का, ये बहुत ज़बरदस्त का टेस्ट है, ये भी प्योर एक फूल का सिदर है जी, अच्छा हाँ। इसको हम फ्रिज में इसलिए रख देंगे, इसका जायका बरकरार रहे, तो अच्छा इस वजह से। तो ये ठीक है, आपको 4,200 का 1 किलो मिलेगा, 400, 4,200, चार अच्छा हज़ार दो सौ 4,200 फिर का, इसी में ही जो है तो हमारे पास 600 ग्राम भी है अच्छा इसी का शायद है, और ये 2,500 रुपये का है अच्छा एक अच्छा किलो ठीक है, ठीक है, जी, हाँ ठीक है, ज़बरदस्त हो गया ये तो, ये शहद की कहानी है, जी, बड़ी हाँ। ज़बरदस्त है, ठीक है। इसके बाद इसके और क्या दिखाएंगे आप बाद इधर आते हैं फाद भाई, जी, ये हमारे पास जो है तो जमजम है, ठीक है, ये भी सऊदी से हम अपने ब्रांड से मंगवाते हैं, माशाल्लाह, और ये अजवा पाउडर है अजवा जी, अजवा पाउडर है पाउडर, जी, अजवा खजूर और उसकी गुठली का पाउडर है, अच्छा जी, ज़रा इसको खोल सकते हैं हाँ जी ताकि हम खोल इसी देंगे तरह अपने व्यूअर्स को दिखाएं। ये अजवा और खजूर जो है, और उसके जो क्या उसको कहते हैं, अजवा खजूर उस गुठली का पाउडर है दोनों दोनों को जी, पाउडर दोनों किया को हुआ है, क्रश किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये ज़्यादातर तो लोग हार्ट के पेशेंट होते हैं, हार्ट अच्छा पेशेंट अच्छा अच्छा उनके लिए जो है तो ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे ये पैगंबर डब्बा अलैहिस्सलाम, कितने ग्राम का होता है, ये सर जी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम होगा ठीक है, जी, इसकी क्या प्राइस है, ये आपको 600 का मिलेगा 600 जी, का, 600 का मिलेगा। ठीक हो और गया, ये आपको बताता चलूँ कि ये हदीस शरीफ है कि जी आप इसका यूज़ करेंगे तो जी आपके जो शरियाने हैं और ये जो हार्ट जो दिल के जो वाल होते हैं जी जी ये उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। हमारे ज़बरदस्त पैगंबर होगा, अलैहिस्सलाम ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास को, हमारे जो पैगंबर थे उन्होंने जो है तो मशवरा दिया था कि आप ये यूज़ करें, माशाल्लाह, हाँ जी, अजवा खजूर और अजवा खजूर की गुठली का पाउडर बस ये कुदरत की शान जी, है, हाँ जी। ठीक है। इसके अलावा अच्छा हमारे पास ये मबरूम खजूर है सर जी जी, ये भी सीज़न का नया आया है ठीक है, जी, हाँ, ये आपको 2,800 का और मिलेगा। इंजीर, इंजीर ये अभी हमारे पास स्टॉक में थोड़ी सी कम हो गई है, ठीक है, ठीक और भी आएगी इंशाल्लाह, तो है, अभी फिलहाल तो 2,200 रेट चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का रेट है ठीक है। वो इसमें। आप वो फिर सादा जो लोकल पड़े होते हैं लंबे हाँ, लंबे, वो नहीं है, वो तो नहीं है नहीं ना, नहीं वो नहीं है, वो वो तो सस्ते सस्ती होते है, हैं, हाँ, मेरे ख्याल से 1,200 या 1,400 रुपये किलो मिल जाता है अच्छा ठीक है। उसके जी। बाद अच्छा दूसरा हमारे पास ये अजवा है, ठीक है, अजवा खजूर है, ये आपको 2,500 का मिलेगा। ज़बरदस्त, इसी में फिर मबरूम में एक क्वालिटी डाउन है, ठीक है, ये आपको जो है 2,500 की मिलेगी ठीक है, जी, हाँ। और इसके अलावा ये हमारे पास अजवा का पेस्ट भी है, अच्छा लेकिन अल्फला अजवा पेस्ट,
ठीक है, इसमें खजूर है अजवा की, इसमें गुठली का पाउडर भी है, ठीक है, और इसमें बेरी का शहद है, जाफरान है, ठीक है, और पेस्ट बनाया पूरा इसका, जी पेस्ट बनाया, और कलमंजी है। इनकी क्या प्राइस? ये 1200 का है, 500 ग्राम है ये, ठीक है, 1200 का, और इसमें छोटा भी आता है लेकिन वो भी हमारे पास स्टॉक में कम है, ये 600 का, ठीक है। और ये आपने क्या रखा? ये सर जी हमारे पास अजवा खजूर का पेस्ट है, अजवा खजूर और बेरी का शहद है। अच्छा, इसमें जस्ट हमने काटा हुआ है और शहद में डिप है, जबरदस्त, ठीक है। और इसमें फिर मबरूम का भी है, मजदूर का भी है। हम आपको बताना भूल गए थे, ये जो अजवाइन का शहद मैंने आपको बताया था, ये वाला अजवाइन का शहद, ठीक है, ये सवात का है, ठीक है, और ये वाला शहद जो है तो ये वजीरिस्तान का है, इस सीजन का नया शहद है। अच्छा, इस सीजन का नया शहद है, लेकिन इसका इसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, मतलब इसका बहुत यूनिक टेस्ट है, ठीक है जी हाँ। तो ये आपको, ये भी आपको 1200 का मिलेगा, 1200 का मिलेगा, लेकिन एक बाद लोगों की चॉइस होती है, बाद लोग ये पसंद करते हैं, बाद लोग ये पसंद करते हैं, जबरदस्त। बस एक आइटम ये है, ये तुर्की से आता है, ये माजून है, माजून बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बिल्लिसान ऑयल है, ये भी सऊदी से आता है, ठीक है, मदीना मुनव्वरा से, माशाल्लाह। और इसके अलावा जो है तो हमारे पास ज़ाफ़रान है, ज़ाफ़रान में मुख्तलिफ पैकिंग्स है। अच्छा, इसमें एक ये है 10 ग्राम की पैकिंग है। अच्छा, और ये ज़ाफ़रान आते कहाँ से? ये ज़ाफ़रान हेरात से आता है जी, हेरात जी, हेरात से आता है। इसमें फिर बड़ी पैकिंग्स भी हैं हमारे, बड़ी पैकिंग भी दिखाई, छोटी वाली भी है, ये भी है जी हाँ, ठीक है। और इसमें जो है तो ये पैकिंग भी है हमारे पास, 50 ग्राम है, 50 ग्राम, और इससे बड़ी भी है, जितनी भी चाहिए हो। अच्छा जी हाँ, ये देखो जबरदस्त। अच्छा, ये इनकी क्या हिसाब होता है? ये तो केजी का हिसाब होता है, ठीक है जी हाँ, जबरदस्त ओरिजिनल ज़ाफ़रान, जी जी ओरिजिनल 100%। केजी कितने का है? केजी सर जी अभी के जो रेट है थोड़े बढ़ गए हैं, अभी के जो है तो तकरीबन 4,20,000 रुपए, 4,20,000 जी किलो है, ठीक है, किलो है जी हाँ, ठीक है जी। इससे पहले सस्ते थे, अच्छा, अब जैसे टाइम गुजरता गया अपना, ये बॉर्डर पे थोड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो इस वजह से करेंसी भी थोड़ा हमारी डाउन हो गई। हाँ, ठीक है, ये हेरात से आता है, अफगानिस्तान से, ठीक है। उसके बाद क्या चीज दिखा? इसके अलावा हमारे पास सलाजीत है, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सलाजीत है, ठीक है, और ये जो है तो 5 ग्राम है, ठीक है, और ये आपको 500 का मिलेगा, जी जी, और इसमें 10 ग्राम भी है, वो आपको 1000 का, जबरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा हमारे पास एक और चीज ऐड कर दूं, जी जी, हमारे पास ये एक है जॉइंट्स पेन के लिए, इसको जॉइंट्स पेन के लिए कहा जाता है, जोड़ों के दर्द के लिए, ठीक है, मुंतनीन, ये इंडोनेशिया से आता है जी, और ये हर्बल मेडिसिन है, ठीक, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब जो शुगर पेशेंट हो, अच्छा, ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो, उसको इजीली यूज कर सकता है, मतलब अच्छा, इसका कोई मसला नहीं, जबरदस्त। ये जो है तो आपको 160 का मिलेगा, जबरदस्त हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ऑलिव ऑयल में ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का ऑलिव ऑयल है, ये सऊदी से हम इम्पोर्ट करते हैं, सऊदी की प्रोडक्शन है, कैसे तो ये आपको। और दूसरी बात यह कि इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड भी मिला हुआ है। अच्छा, ये सबसे प्रीमियम क्वालिटी है, जबरदस्त। ये अलजोफ कंपनी है, अलजोफ, ठीक है, आप इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी की मालूमात, ये आपको 3500 का 1 लीटर मिलेगा। अच्छा, और ये ऑर्गेनिक है, और आप इसको जो है तो मतलब हर पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी पी सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये कुश्ता है, ज़ाफ़रानी कुश्ता, ठीक है, ये देखें, और ये आपको 350 का मिलेगा, ये 250 ग्राम इसकी इसका वजन है, जबरदस्त। इसके अलावा देसी घी हमारे पास प्योर जी, गाय का है, इसमें फिर 2-3 किस्म के हमारे पास जी, एक अफगानिस्तान का है जी, और ये वाला जो है ये पंजाब का है, पंजाब वाला जो है सस्ता है, 1600 का पर के जी है, और जो अफगानिस्तान का है वो 2200, 2200 रुपये, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यकीन करें आज की वीडियो में जो मज़ा मैंने लिया, मैंने तो बहुत ज़्यादा लिया, इसी तरह तो मेरे माशाल्लाह व्यूवर्स ने भी लिया होगा। तो भाई जान, हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो सर जी ये है कि आपको जो चीज़ मिलेगी, ठीक है, बेहतरीन क्वालिटी की मिलेगी, ठीक है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं बात भाई के, जो शायद मंगवा लेते हैं, कहते हैं यार इसमें कुछ मसला है या हमें पसंद नहीं आया, तो हम उनके साथ एक बात भी नहीं करते, रिटर्न कर दें और भिजवाएंगे, हाँ जी, और भिजवाएंगे, एक्सचेंज करना है, रिटर्न करना है, जो आपका पैसे लेने हैं, पैसे लेने हैं बिल्कुल देंगे, पैसे देंगे, थैंक यू। ये नहीं,
कि आप फौरन एक माह बाद कोई मसला हो तो आप बिल्कुल वापस कर सकते। अच्छा मेरे भाई ये बताएं कि आपकी जो लोकेशन है वो भी हमारे व्यूअर्स को बताएं, जो यहाँ पे आना चाहते हैं तो वो खुद आके देखें। अच्छा जी, ऐसा है फहद भाई कि अगर पंजाब साइड से कोई आए तो मोटरवे पेशावर, हम खुद पेशावर में, ठीक है, पेशावर टोल प्लाजा क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो नॉर्दर्न बाईपास जैसे उतरेंगे तो मेन जीटी रोड पे ही हम हैं। जीटी रोड पे जी, मेन जीटी रोड पे ही है और इसका एड्रेस ये है कि अल्फला हनी टावर, ठीक है, मेन जीटी रोड, ठीक है, नियर चमकनी सिटी होम के पास है, ऑपोजिट पेशावर गार्डन। थैंक यू भाई जान, इसी बात पे आपसे और अपने व्यूअर्स से इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।